मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। का प्रयास खबर चंदौली के एलिया थाना क्षेत्र से, जहां मासूम बालिका से बैला फुकरा कर दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार एलिया थाना क्षेत्र से एक गांव में सद्दाम अंसारी पुत्र हबीब अंसारी के परचून की दुकान है। वक्त दुकान पर 6 वर्ष बस मासूम कुछ सामान खरीदने गई कि आरोपी ने बच्चों को पैदा फुसला कर खंडर में ले गए और अनैतिक कुछ करने लगे। इसी बीच में वहां से कुछ ग्रामीण गुजरे लड़की की आवाज सुनकर जब वहां खंडर में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। आरोपी ग्रामीणों को देखकर भाग गए। ग्रामीणों ने उस वक्त घर वालों को सूचना दी। घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर बालिका को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। अमित कुमार। क्या मामला है? एक लड़का था, एक 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ गलत काम कर रहा था। हम लोग उसके अपने हाथे से पकड़े हैं, आँख से पूरा देखे। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद वो उसको इधर बाहर लाए, वो छड़ा उड़ा के अपने घर भाग गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाने से फोन आया, पुलिस आई, उसको लेकर आई थाने। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे? लेकर तो थाने आया है पुलिस उसको। और जो बच्ची है वो कहाँ है? बच्ची भी इस समय थाने पे है। नाम बताएं। श्रीकांत कुमार सिंह। क्या मामला है? ये मामला ये रेप का है। क्या हुआ था? वो एक छोटी 4 साल की 2 साल की बच्ची थी, उसको जबरदस्ती उठा के ले गया, उसके साथ रेप का काम किया है। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग जब इसकी दुकान पे गए तो ये दुकान बंद करके कह रहा हमको जल्दी है जा रहा था, तो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि जा रहा है कोई काम से, तो फिर हमने रुक गया। उसके बाद जब देखा कि उसका खंडहर की ओर जा रहा था, जब खंडहर की ओर गए तो ये देखा कि वो लड़की के साथ नंगे पूरा पकड़ा गया। और उसके बाद थाने में लिया, थाने फोन किया, 100 नंबर को आया, उसको उठा के ले गया। आपका उसका परचून का दुकान है क्या? हाँ, परचून का दुकान है। नाम बता दे मुझे। दीपू शर्मा। क्या मामला है? वो अपराध छेड़छाड़ का काम, वो है काम। कौन था? वो मुसलमान था, 3-4 दिन से देख रहे थे उससे, कब से देख रहे थे, आज उसको रंगे हाथ पकड़े। अरे 4 साल की बच्ची थी। अरे हम लोगों को बहुत पहले ही पता चला, बाकी हम लोग कुछ दूसर सोच रहे थे कि बाद में पास जाकर थोड़ा देखे तो पूरा कपड़ा निकाल कर रंगे हाथ उसको पकड़ लिए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में बाहर उसको निकाल कर आए, वहाँ पर शंकर जी के पास, फिर वहाँ प्रधान जी भी थे, वहाँ पर भी बात हुआ, फिर छुड़ा फुड़ा कर भाग गया घर। हाँ, 300 नंबर पर फोन किए थे ना प्रधान जी, तो फिर पुलिस आई चली गई। तो उसको लेकर आई? नहीं नहीं उसको लेकर आई। यहाँ थाना अंतर्गत 6 पे क्या मामला, पूरा सब बताए। आज दिनांक 13/6/20 जनपद चंदौली के किलिया थाना अंतर्गत लरा गांव में एक 23 वर्षीय युवक द्वारा अपने गांव के ही 6-7 वर्षीय बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का प्रयास किया गया। युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर यूपी के जनपद चंदौली के चकिया से, जहां पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले को गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब सहित शराब बनाने वाले अन्य उपकरणों को बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट।
क्या मामला, क्या बरामदगी हुई है? जनपद चंदौली के चकिया थाना अंतर्गत ग्राम बनरसिया, जो बिहार की सीमा से सटा हुआ है, मुखबिर खास की सूचना पर उमा शंकर गौड़ के यहाँ जो है इंस्पेक्टर चकिया के निर्देशन में छापेमारी की गई, जहाँ से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण और शराब प्राप्त हुए, जो कि निम्न मात्रा है, 51 पेटी 180 ml बॉम्बे स्पेशल की अंग्रेजी शराब, दो और 40 लीटर अवैध शराब बनाने के केमिकल प्राप्त हुए और 13,850 अवैध स्टिकर प्राप्त हुए, जो अन्य इंग्लिश वाइन के हाँ के रैपर थे, और उसके साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने मौके पर से कब्जे में लिए। सर, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? चूँकि ये रशिया का, जहाँ से ये सारी अवैध शराब बनाने की चीज़ें प्राप्त की गई, वो बिहार सीमा से सटा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, मौके का फायदा देख करके उठा करके वो अपराधी वहाँ से भाग गया। अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर टीम लगी हुई है और उसके छापेमारी कार्रवाई की गई है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर। और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। राशन न मिलने से जनता परेशान, मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से। पैगम्बरपुर ग्राम में राशन न मिलने से जनता परेशान, ग्रामीण ने कुर्दार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि महीने में 2 बार राशन आता है, लेकिन एक ही बार बांटा जाता है और कुर्दार पूरा गायब कर देता है, और अगर कोई विकित कुर्दार से कहता है तो उल्टा कुर्दार उसको खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि जहाँ जाना चले जाओ, तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। कुर्दार मिट्टी का तेल नहीं देता, कुर्दार किसी से नहीं मिलता। अगर कोई उसे फोन लगाता है तो कहता है कि मैं गाँव से बाहर हूँ, राशन में कटौती करता रहता है। बांदा से माया तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। आ रहा है तेल भैया, तेल आ रहा है? तेल कहाँ आ रहा है? आ रहा है, हर कोटे में आ रहा है तेल। यहाँ तो आ ही नहीं रहा, 1 साल हो गया। क्या कह रहा है कुटदार? ये पता नहीं है कि क्या कैसे आता ही नहीं। नाम क्या भैया कुटदार? वो तो बातें नहीं, राजू राजू कहते रहे। राजू क्या क्या कुछ कराता है? गाँव कौन सा है? ये गांव आपको मालूम नहीं कौन सा? पैगम्बरपुर है। लागत है नहीं लागत? प्रधान के पास गए, प्रधान का इसको देना, इस बार का भी दोनों बार को दे देना, तो एक बार का नहीं दिया हमको, नहीं दिया बता। पीआर बल गए थे प्रधान की, प्रधान का इसको देना, उस बार का जब नहीं अंठा लगवा पाया तो प्रधान के यहाँ हाँ कर लिया, इधर नहीं दिया। हम नहीं लगा था, हम कैसे दे? आधार कार्ड जुड़ा है तो कहते 3 महीने का फ्री है।